बरेली के किला थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक मुनीम से दिन दहाड़े दो युवक रुपए लूटकर भागने लगे। वहीं मुनीम के शोर मचाने पर इकट्ठे हुए लोगों ने आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों लुटेरों की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल किला थाना क्षेत्र में रहने वाले राकेश अग्रवाल झाड़ू कारोबारी हैं, जिनका मुनीम आज सुबह हार्डमैन पुल के पास शक्तिनगर कॉलोनी स्थित बैंक में रुपए जमा करने निकला था। इस दौरान दो युवक मुनीम से 1.5 लाख रुपए लूटकर भाग गए, जो कॉलोनी के बाहर निकलकर अशरफ खान चौकी के पास विष्णु लाला वाली गली में खाली पड़े प्लॉट की झाड़ियों में छुप गए। लेकिन मुनीम के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने लुटेरों का पीछा किया और दौड़ाकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बाद लोगों ने पकड़े गए दोनों लुटेरों की जमकर धुनाई की। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दोनों किला छौनी के रहने वाले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए लुटेरों से 1.5 लाख रुपए में से मात्र 7,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। बकाया 1,43,000 रुपए कहां गायब कर दिए, यह पहेली बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जो दोनों लुटेरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।